एंड वेलकम टू द थर्ड एपिसोड ऑफ सॉन्ग्स ऑफ आर सेल्स और आपको थोड़ा सेटअप डिफरेंट लग रहा होगा आज बैकग्राउंड वैकग्राउंड चेंज हुआ है तो उसके पीछे की एक वजह है बहुत ज़बरदस्त सी वजह है ही आज का टॉपिक है वजह ही आज का टॉपिक है तो हम जहाँ वीडियो मेरा पहले रूम में बना रहे थे वहाँ जो भी उस उनके बारे में भी जिक्र आएगा आगे लेकिन उनको कुछ पसंद नहीं आया हमारा उधर वीडियो बनाना उनको भी वीडियो पसंद नहीं है वो सब्सक्राइब नहीं कर रहे शायद तो जिस तरह आप लोग भी नहीं कर रहे हैं वही सिक्सटी फोर्टी का रेशियो चल रहा है सब्सक्राइब कर दो यार लाल बटन है दबा दो नीचे तो कुछ वजूहत के बिना पर हमको अपना स्टूडियो जो है शिफ्ट करना पड़ा तो अभी जो है मुसैब भाई के डाइनिंग रूम के अंदर है खूबसूरत सी लाइट है फुल लेंस बनाई है तो वो जब हमारे साथ वो चक्कर हुआ तो फिर हमने डिसाइड किया यार ये भी तो एक टॉपिक है इस पर भी तो बात हो सकती है पाकिस्तानी को तो वैसे ही बड़ा पसंद है ये बचपन के, के साथ रात, तो। रात को बैठ के जिन स्टोरी सेशन लगाओ जरा हुआ क्या कहानियाँ बताओ कहानियाँ तो हमने फिर सोचा चलो इस पर डिस्कशन करते हैं फिर तो उससे हमने बोला कि अब थोड़ा अपने किस्से होंगे थोड़ा हमने एक अपने इंस्टाग्राम पर डाली भी थी कि जिस जिसका स्टोरीज शेयर करें आप लोग की काफी सारी स्टोरीज आई तो उसके लिए अलावा शॉर्ट लिस्ट करना अपने, पड़ा अपने किस्से भी बहुत हैं अपने किस्से भी बहुत है बहुत सारे हैं आ, तो शॉर्टलिस्ट करना पड़ा कि भाई कौन सा इंक्लूड करना है कौन सा नहीं करना तो इस तरह करेंगे हम लोग की पहले थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन देंगे जिन्नाथ के साथ का उसके बाद आप, आप, आप लोग की स्टोरी सुनाएंगे उसके बाद अपनी पहले हल्की वाली हल्की वाली फिर एक्सट्रीम एक्सट्रीम वाली।, वाली पे जाएंगे थोड़ा थोड़ा करके तो पहले मेरा थोड़ा बेसिक इंट्रो अब मेरा इस चक्कर कुछ ये कि हमारा जिस जगह पे हम रहते हैं घर में उधर थोड़े बहुत केसेस हैं और हमें पता है कि वो चक्रात हैं तो हम लोग उसके बारे में कुछ करते रहते नहीं क्योंकि वो हमें तंग नहीं करते अब तक तंग ना करें अब तक जरूरत नहीं है आपको कुछ करने की तो मुझे मतलब ये चक्कर जो मुझे याद नहीं है लेकिन मेरे घर वाले तो दादा दादी अम्मी अम्मी चाची चाची सब बताते हैं कि बच्चों ने मेरा एक दोस्त हुआ करता था कि खाने की टेबल पे भी मैं अपनी प्लेट साइड पे रखता था कि मेरा दोस्त बैठेगा वो खाएगा अब काफ़ी अंग्रेज़ लोग इसको इमेजिनरी फ्रेंड बोलते हैं तो मेरा एक इमेजिनरी फ्रेंड था लेकिन इमेजिनरी फ्रेंड को ऐसी ऐसी बातें पता थी जो किसी को नहीं पता थी मतलब मेरे घर एक हुआ था कि दादा मेरे चाइना वैना की तरफ थे उन्होंने घर पे कॉल करके बोला कि यार मैं नहीं आ सकता मेरी शिप पे मतलब जो फ्लाइट फ्लाइट वो डिले हो गई मैं नहीं आ पाऊँगा तो घर वालों को सबने बोला कि अच्छा डैडी नहीं आ रहे फिर घंटी घर का दरवाजा बजा मैं जोर से बोलना शुरू हो गया डैडी आ गए डैडी आ गए घर में मतलब उस तरह आगे जोर से बोलना शुरू डैडी घर आ गए डैडी का दरवाजा खोलो डैडी आए सब मेरे ऊपर हंस रहे हैं कि यार ये क्या बात कर करें उनके तो प्लेन में डिले हो गए बच्चा है ऐसी पागल है बावल है दरवाज़ा खोला डैडी आगे सरप्राइज देने के भाई मैं आ गया मैं तो मजाक कर रहा था तो सबकी हालत टाइट हो गई कि इसको कैसे पता मैंने बोला मेरे दोस्त ने बताया है उसके बाद से घर वालों की थोड़ी हालत टाइट होना शुरू हुई और मुझे इस चीज़ की कोई रिकलेक्शन नहीं है मुझे कुछ याद नहीं है इस तरह का किस्सा मेरे लेकिन घर वाले बताते हैं कि भाई। तो मुझे मेरा कुछ इंटरेक्शन इंटरैक्शन मेरा ये कि मुझे ना स्टार्ट से हम लोग पहले इस घर में नहीं रहते थे तो अब चले बताने में पहले हम जिस घर में रहते थे स्टार्ट के सोलह साल दो हजार सोलह में आए ना सत्रह सोलह हाँ सोलह में तब तक हम लोग उस घर में रहते थे वो कनेक्टेड था मतलब अपार्टमेंट था तो वो दो घर साथ, साथ थे और हमने दोनों लिए हुए थे एक नानी का था एक हमारा था और बीच में से हमने जो सेपरेशन होती है उसमें वो वॉल हमने गिरा दी थी उसमें एक दरवाज़ा था तो दोनों हाउस कनेक्टेड हो गए थे तो नानी का घर आह कर ख़ाली हो गया था आफ्टर uh, नाना पार्स रवे तो नानी हमारे पास ही आ गई थी तो वो घर खाली हो गया था हमारा वो प्लेइंग एरिया बन गया था पूरा घर तो तब मुझे फील होना स्टार्ट हो गया था मुझे अभी भी ना हर जगह रायम को भी पता है इसके घर भी मैं आया था तो इस ये जिस कमरे का जिक्र कर रहा है जहाँ पॉडकास्ट करने आए थे वहाँ दो तीन साल पहले मैंने आके बोला था कि यहाँ कुछ है लेकिन इसको क्वालिटी पता था कि है कुछ तो मैं कूल बन नहीं सका था तब तो, लेकिन <laughs> cool. मुझे पता चल जाता है कि मतलब मुझे ऐसा फील हो जाता है कि उनकी प्रेजेंस मुझे हमेशा से फील हो जाती है किसी भी अबैंड घर या कहीं भी मुझे नया घर लेना होने पहले भी जिक्र किया था मुझे फील हो जाए फील क्या मतलब किस तरह की फीलिंग आती है मतलब हमें भी बता हैं हमें भी आती है हो, हो, बता फैमिली में ना मेरे मामू छोटे मामू को भी ये होता है उनको 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 भी फील हो जाता है कि उनको वो उनसे पूछा था मैंने उन्होंने मुझसे पूछा तो मैंने पूछा आपको क्या फील होता है फिर उन्होंने बोला कि उनको तो बस ये लगता है कि कोई देख रहा है कहीं से बैठे तो मेरी खाला भी बोलती है मेरी बहन भी बोलती है कि उनको फील हो जाता है कि कोई चीज़ है मेरा जो कज़न है मकान देख रहा है अगर ऑस्ट्रेलिया में तो उसको भी फील हो जाता तो है उसका बड़ा मजाक बना है बेचारे का एक बार हुआ था हम लोग मेरे रूम है ना वहाँ हम लोग कुछ खेले तो हमने गाने कवाली थी बड़ी जोर की आवाज़ में लगाई हुई थी

जा तो रहे बिल्कुल अलग ही हो जाता है तो पूरे जो इन्वामेंट अगर बहुत स्ट्रॉन्ग प्रजेंस होती है ना जैसे एक दो घर में गया हूँ मैं नाम नहीं लूँगा किस खानदान में किसका है वो घर लेकिन ये वहाँ मैं गया था तो वहाँ पे ना बिल्कुल ना जो एयर है ना आसपास की वो डेंस हो जाती है ये लगता है मुझे मतलब बिल्कुल ही घुटन टाइप की होती है और अगर आपके पास से मतलब मेरे बहुत बार मैंने देखा भी है ना उन लोगों को उन चीज़ों को और बहुत न, कभी कभी बिल्कुल नॉर्मल था हो जाता है कि गुजर गया कोई तो मैं उस चीज़ को हाईलाइट नहीं करूँगा तो ये होता है आप, आपको पता है प्रेजेंस ये पहले जब मैं यहाँ सोता था जहाँ कैमरा लगा हुआ है यहाँ मैं सोता था नीचे और जो ये वाला एरिया है दिख नहीं रहा होगा यहाँ फील होता था मुझे रात को हर वक्त रातों को देख रहा है कोई है भाई अगर कोई है तो हम तो अपनी बातें कर रहे हैं आप गुजर जाओ हम कुछ नहीं करेंगे हाँ, कि कि किसी को बताना नहीं चाहिए अगर आपको प्रेजेंस फील हो जाती है तो हम वीडियो बना के यूट्यूब पे डाल रहे हैं <laughs> नहीं अगर प्रेजेंस फील हो जाती है यहाँ पे लग रहा है मुझे ओ, अभी पढ़ना फिर लोगों को मसले होते हैं भाई नहीं बताना चाहिए मैंने ट्राई किया बैड एक्सपीरियंस नहीं बजाना चाहिए खतरनाक खतरनाक <laughs> अच्छा तो पहले अब किससे कहानियाँ थोड़ी शुरू तेरे पास जो तो आए था किससे पहले तो अपना थोड़े नोन करेंगे नाम नहीं लेंगे तो पहले जो है छोटे किस्सों से स्टार्ट करते हैं छोटा किसा पहले तो मेरा अपना यार ये जो अगर वो मेरे कैंट वाले बॉयज़ जो हैं वो देख रहे हैं तो रिले वो बता सकेंगे इस पर क्या सीन क्या हुआ हम लोग एक जगह घूमने गए थे रात का एक डेढ़ था मुझे वैसे चीज़ें समझ नहीं आती लेकिन उस वक्त मैंने चलो चलते हैं रात की एक जो है रात की ड्राइव होती है सुनसान सड़क हो गाने चल रहे हो सारे बॉयज़ बैठे हो एक चिल ड्राइव होती है चिल माहौल होता है उसमें हमने बोला कि चलो यार चलते हैं घूम करके आते हैं ऐसे तो एक जगह है कराची थोड़ा आउटसाइड पर नाम नहीं लूँगा उस जगह का लेकिन शायद लोग समझ जाएँ तो उस जगह के ऊपर जो है एक रेजिडेंशियल सी एरिया है वो तो उधर हम लोग गए थे घूमने फिरने दो तीन साइड पर देखी ब्रिज ब्रिज बने हुए खूबसूरत से वो देखे तो मेरा एक दोस्त ही था जो ड्राइव कर जिसकी गाड़ी थी उसने बोला यार एक जगह लेके जाता हूँ बड़ी तफरी जगह है तो उन्होंने बोला चलो भाई चलते हैं उधर तो हम लोग गाड़ी लेके गए अच्छा वो जा, जाता जा रहा है हल्की हल्की करके ना लाइटें खत्म होना शुरू हुई मतलब जो स्ट्रीट लाइट्स लगी होती हैं स्ट्रीट लाइट्स खत्म हुई कौन सा रोड था कैंट के अंदर ही था नहीं 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 बाहर थे हम कैंट से बाहर थे हाईवे से भी आगे की तरफ थे थोड़ा तो वो लेफ्ट पे कोई अंदर की तरफ रोड जाता है तो उसने वो दिखाया उस वक्त उस रोड पे कंस्ट्रक्शन चल रही थी मतलब वो रोड बना हुआ भी नहीं था मतलब जैसे उस रोड के एंड पे पहुंची ना तो कच्चा रेबल होता ना वो वो शुरू हो गया था और उसके बाद एक यूं खाई थी नीचे बहुत ज्यादा नीचे आठ फिट दस फिट होगी लेकिन वो यूं पहाड़ी की तरह तो यूँ खाई थी और फिर पहाड़ी वापस यूँ ऊपर उठ रही थी बहुत छोटी सी डिच थी लेकिन थी आप पैदल अंदर जा सकते हो लेकिन डिच थी कि जब गाड़ी जाती तो ढ्राम अंदर गिर जाती वो इस तरह की डिच थी तो हम लोग उधर आगे गए अब उधर ना राइट साइड की तरफ करेने व्रेने बड़ी बड़ी मशीनें खड़ी हुई थी तो हमने बोला कि मैंने उतरा तो मैंने बोला यार कोई नहीं कंस्ट्रक्शन वंस्ट्रक्शन की साइट है हो रहा होगा काम हम अब मुझे उतरते साथ ही ना एक लोहे के साथ बचने के बाद ना लोहा जब लोहे से टकरा टंग 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 वैसे मुझे आवाज़ आना शुरू हुई ये मैंने किसी से जिक्र नहीं किया मैंने यार हो सकता है कंस्ट्रक्शन हो कोई पागल बच्चा बच्चा हो ठक ठक मार रहा हो बैठ के कोई तो मैंने उसका कोई जिक्र नहीं किया हम लोग थोड़ी देर उतरे तस्वीर तस्वीर ली और इतना उधर उसको घोपन दे रहा था कि हमें अपनी गाड़ी की हेडलाइट्स ऑन करनी हुई थी जस्ट टू तो सी के सामने है क्या मतलब इतना घूपन दे रहा तो वो टंग टंग ट आवाज़ है अब थोड़ी देर बाद सलार मुझे देखे मतलब हम लोग कुछ सात लड़के थे और साथ में से सलार था और एक वो तैमूर लड़का जो है मेरे साथ था वो तो सलार ने मुझे तैमूर को उसने देख कुछ बोला कान में तो दोनों की थोड़ी हालत छन लगी मेरा क्या हुआ बोला तुझे टंग टंग ट आवाज़ आ रही है मैंने बोला हाँ आ रही है तो मैं कंस्ट्रक्शन हो रही होगी कुछ हमने उस बात को इग्नोर किया अब चक्कर ये हुआ वो आवाज़ करीब आना शुरू हो गई थोड़ी देर टंग 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 करके अब जब ये होता है ना कि आप दूर से एक आवाज़ सुन रहे हो आपको एक अलग सुनाई दे रही होती है जब वो थोड़ी करीब आती है तो क्लियर होना शुरू हो जाती है जब क्लियर हुई ना तो बकायदा पायल की आवाज़ आ रही थी हमें छन 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 कर गए अब उस वक्त हम तीनों की हालत थोड़ी टाइट हुई सलार ने मुझे देखा बोला करीब आ रही है बोला हाँ करीब आ रही है हमने सबको बोला गाड़ी में बैठो और निकलो अच्छा हम सात लोग थे चार को आवाज़ नहीं आ रही थी थोड़ा गौर से सुन आ रही है किसी को नहीं आ रही सिर्फ हम तीन लोगों को आ रही हो हमारी हालत बंद किया चलो टंग टंग कर रहा है लोहे की तो सबको आनी चाहिए ना टंग टंग लोहे की हमारी हालत बंद हमने गाड़ी में पैक हुए सारे हम भागे हैं वहां से तो दो मिनट तक सब सन्नाटे में थे कि यार ये हुआ क्या है तो ये तो तो जगह थी कुछ भी नहीं था मतलब एक डेढ़ किलोमीटर तक कुछ भी नहीं आना बंदा ना बंदे की जात उसके करीब करीब देखने गए थे यार उधर एक वाइब बड़ी शो थी अंधेरा है फुल है है वाइब के चक्कर, वाईव वाईव के चक्कर में लग लग यार यार बहुत मुझे डर ये रहा कोई साथ पीछे पीछे ना आ जाए नहीं नहीं गाड़ी तो के अंदर प्लेसेस चंकी होता है ना मेरी मॉल भी है किस्सा तो है आगे गरीब का स्टोर था वहाँ पे मॉल है कुछ मतलब करना चाह रहे थे

यही कजन सलार भाई हैं ये बैठे हुए थे मामों के साथ <coughs> सही है छत के ऊपर नानी की छत के ऊपर बैठे हुए हम लोग तो छत के ऊपर बैठे बैठे ऐसे हमने बातें करना शुरू की वो जिनमिन की जैसे अभी चल रहा है सेशन उसी तरह का रात का वक्त था कुछ बारह एक बज रहे थे सेशन चल रहा था अब सलार भाई को चढ़ी मस्ती बोले नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं होता ये बातें होती हैं किससे होते हैं कुछ नहीं होता मैं गया हूँ इधर गया हूँ उधर गया हूँ लोग बोलते थे मुझे कुछ नहीं दिखा किसी का बाद में उसको एक कीड़ा चढ़ा है उसने बोला कि अगर कोई है अपनी मौजूदगी दिखा है कोई है तो मुझे बताए वो यहाँ पर अच्छा वो तफरी तफरी में कर रहे हैं मैं और मामूस खोल रहे भाई सलार नहीं कर मैं वो नहीं नहीं कोई है तो सलार बैठा था चारपाई के ऊपर और चारपाई थोड़ी रस्टी सी चारपाई थी वो सलार बोले बाकायदा थोड़ी देर बाद उसको फील हो गया कोई धड़म करके चारपाई पर बैठा है मतलब बाकायदा बैठने की फील आती ना एक बंदा नॉर्मली बैठते हो धड़ाम घुस बैठने की मामू थे और सलार थे बीच में उनके बैठने की धड़ाम फील आई है दोनों उठे और भागे नीचे के यार ये क्या हुआ सलार की हालत चढ़ उसके उसको बुखार वार चढ़ा हुआ हालत सलार भाई की खराब मैंने लगा कि तुम्हें किसने कहा था कि कोई है मौजूदगी दिखा है कोई है वो तड़ाम मौजूदगी देखे सलार भाई की हालत टाइट तो ये किस्सा भाई और भी ये जो ऐसी ऐसी जगहों के बहुत सीन है कारसाज की दुल्हन का इतना मशहूर हुआ था यार मुझे कभी मुझे कभी नहीं यार वो दुल्हन मुझे हो तुझे, तुझे वही दुल्हन दिल सकती है ना असल में <laughs> और कोई दुल्हन दिखती नहीं है ले ले, <laughs> भाई, बहुत लेकिन बहुत लोग लेकिन इतने ज्यादा लोग क्या विटनेस किए है ना कि लगता है कि सच में कोई सीन है अक्सर ये होता है कि लोग अपनी तरफ से कपड़ा पड़ा दर के ऊपर लाल रंग का तो हमारे पाकिस्तानी तो है भी तो इतना जुने लकड़े पाकिस्तानी है ऐसे हिलता हुआ कपड़ा भी उनको लड़की लगता है लेकिन हर इतने लोग सेम चीज अगर बोल रहे हैं क्या पता किसी को दिखाओ क्या पता किसी को जो ये ना इन लोग का अपना होता है मर्जी होती है इनको जब आपको शो करना चाहेंगे आपको तभी दिखेंगे वरना आपको नहीं दिखेंगे। ये भी ना एक पूरी डिस्कशन है अगर पाकिस्तानी हाँ। इंटेलेक्चुअल सोसाइटी जो है यूट्यूब पर बड़ा मैं फॉलो करता हूँ उसामा तो भाई उनका मैं बड़ा फॉलो वो तो उनकी एक थ्योरी है मैं भी इसमें काफी अर्से से बिलीव कर रहा हूँ कि वो जो एक फोर्थ डायमेंशनल बींग्स है वो थर्ड हम लोग थर्ड डायमेंशनल बींग है ना जैसे एक बेसिक एग्जाम्पल पेपर जो है टू डी होता है उस पर ड्रॉइंग जो टू डी होती हैं हम लोग थर्ड डायमेंशनल बींग्स यानी हमारे एक्स वाई जी तीन एक्स एग्जिस्ट करते हैं अब वो जन्ना जो है कि अकॉर्डिंग टू अलॉट ऑफ थ्योरीज uh, वो, वो एक फोर्थ डायमेंशनल बीइंग है मतलब हमारे लिए टाइम एक कंस्टेंट है उनके लिए टाइम एक कंस्टेंट नहीं है ये टाइम और स्पेस वो कर आ कभी आ है। आपने किस्सा सुना बोलने रहे भाई वो जिन जो है वो अमेरिका छोड़ के दो मिनट में यहाँ आ जाता है और ये वो तो वो सुलेमान वाला जिन था तक ले आ गया था। आ, इतना बड़ा तो वही ना मतलब उनके लिए स्पेस और टाइम नहीं है तो वो एक दूसरी डायमेंशन की स्टार्ट करो क्योंकि और बचा है मेरा अच्छा जिसकी वजह से मैं फौज में नहीं जा सका वही तो एक लाइट था किस्सा ये उसी घर का जिससे पहले बताया था मैंने वहां पे ये जो मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था ना वो वो बता रहा हूँ वहाँ पे इस तरह का था कि ये जैसे माइक ऑन नहीं है शायद ये ऑन है ऑन तो है मैं मारता तुझे पकड़ के फिर ना वहाँ पर ये किस्सा है के कि ऐसे ना वहाँ पर ड्राइंग रूम है फिर ड्राइंग रूम का दरवाज़ा है पता नहीं पीछे से आवाज़ आई मुझे कुछ ड्राइंग <laughs> इसका दरवाज़ा है और दरवाजे के साथ ही ना किचन है उसका और किचन में भी आगे जाके और जब किचन से आप पूरे घर का जायजा लोगे तो आपको पैरीफेरल विजन में ना एक कमरा भी दिख रहा था वहाँ पे इस तरह का घर घर का नक्शा था ड्राइंग रूम फिर किचन फिर यहाँ पे तीन कमरे थे ये दो कमरे नहीं दिखते किचन से किचन से बस ये एक सामने वाला कमरा दिखता है अब वो घर पे कोई था नहीं सिर्फ स्टोर रूम सा बन गया था कोई रहता नहीं था तो आ, वहाँ पर सामान वग़ैरह था बस एक व्हील चेयर पड़ी हुई थी और एक ट्रेडमिल थी एक इलेक्ट्रिकल थी इस तरह की सब समान वामान पड़ा हुआ वा था तो किचन से ना मेरा ये था तब नहीं मैं कितने सात सात छः सात साल का था सात साल का था हाँ तब हुआ था ये और तब ना ये क्रिकेट का शौक था तो ना मैं किचन से भागता हुआ अपना पूरा बॉलिंग रनअप और फील्ड चेक करता था ना साइड पे ऐसे 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 करके फील्ड सेट करके मैं बॉलिंग करा के ख़ुद ही कोई बैट्समैन ही होता था बॉलिंग करा के वापस आया था ये मेरा था ऐसे में स्टार्ट करता था तो मैं पहले गया अब मैं ना ऐसे ऐसे करके फील्ड चेक कर रहा हूँ ना अपनी <laughs> <laughs> एक फील्डर आ गया से. <laughs> हाँ ना अब ना मैंने वो वाला दो वाला देखा कमरा वहाँ पे व्हील चेयर का ना जो रुख था ना वो इस तरफ था कमरे की कमरे के उसकी डोर की तरफ वहीं पे वैसी रखी हुई थी व्हील चेयर अब ना उस पर मुझे लगा कि ना मेरी बहन बैठी हुई है फिर और उसका ना जैसे चेहरा यार गलत टाइम पर आया उसका ना चेहरा नहीं दिख रहा था और अब सिर्फ ना उसको शेडो बोलते हैं ना सिर्फ एक शेडो था लेकिन ऐसे होता है कि पूरे बाल वाल सब कुछ वो पूरे शेडो और वो वीजे पर बैठी हुए और मैं वो देख के भाई <laughs> भाई वो फिल्टर छोड़ो ये फिल्टर अच्छा नहीं है भाग भाग्य मैं भाई एक और किस्सा मुझे ये किस्सा ना मेरे पास आया था सुनाया था किसी ने उन्होंने बता रहे हैं भाई ये था कि वो लोग अब भाई बहन थे जा रहे थे कहीं और उनके साथ उनकी कोई फैमिली फ्रेंड बैठी हुई थी किसी को वो लोग ड्रॉप व्रॉप करने जा रहे थे रात रात को हाँ याद आ गया उनके ना घर पे कोई मेड काम करती थी तो वो लोग उसको ड्रॉप करने जा रहे थे तो रात को तो क्या बात है आ रही है ऐसे ऐसे चुप 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 करके टी वी <laughs> है ऊपर से कुछ नहीं नहीं कुछ नहीं है कुछ नहीं है बताओ <laughs> तो वो लोग ड्रॉप करके आ रहे थे वापसी आ, तो उन लोग का मिठाई खाने का मूड हुआ रात को रात को मिठाई नहीं खाया करो ना तो, तो जो भाई गया ना मिठाई लेने वो खाली हाथ वापस आ गया उसकी मुझे किसी जो गाड़ी में दो लोग और थे उनसे किसी ने सुनाया था तो जो भाई लेके वापस आया तो वो बिल्कुल हक्का बक्का उसको वो वो लेके वो खाली हाथ आया मुझे क्या हुआ भाई तो भाई ने बताया कि उसके आगे जो लोग खड़े हुए थे दो बड़े बड़े से लोग थे और ना वो लोग फिर उन्होंने सारी मिठाइयाँ ले ली जो जितनी भी थी ना सारी मिठाइयाँ ले ली और ना वो लोग फिर गायब हो गए गायब हो गए गा। हाँ वापसी मुड़ेगा ना मतलब पच्चीस किलो मिठाई लेके बंदा कितना भाग जाएगा दूर जो, जो तब मिठाइयाँ ले रही हो ना जितनी भी बची थी रात को तो वो लोग मुड़े और वो लोग दुकान से बाहर निकलते थे गायबों के मिठाई की दुकानों पे बहुत सीन होता है बताए एक्चुअली मेरे फ्लैट था अपार्टमेंट था वहाँ पे भी एक मिठाई की दुकान थी तो वो लोग एक्चुअली छोड़ते हैं मिठाई रात को जब तो जाते हैं ना बंद करके जो बच जाती मिठा है मिठाई वो लोग छोड़ देते हैं और इसलिए वहाँ पे इतने शीशे भी लगे होते हैं हर जगह मिठाई की दुकानों में क्योंकि वो और उनको पता होता है कौन क्या है जैसे ये जो किस्सा है इसका पूरा एंड यही है कि भाई ने फिर पूछा कौन थे वो लोग दुकान वाले ने बताया कि आप पूछ, पूछो उन लोगों को पता होता है क्या होता है मिठाई <laughs> मिठाई की की दुकानों का दुकान कभी नहीं खोलनी भाई बिजनेस में कुछ भी कर लो मिठाई की दुकान नहीं खोलनी मैंने नहीं भाई जितना इन लोगों दो ये लोग आपको नवाजते भी हैं इस तरह एक और किस्सा याद आया मुझे अभी जो सुनाया अभी जो वो वो भी इन्होंने ही सुनाया था मतलब किसी वहां पर आया था डीएम में वो ये किस्सा था कि किसी का पान वाले का किस्सा था कि ना उन्होंने वो भी रात को गए वहाँ पे एक पान वाले अंकल थे उनके पान नहीं बिके थे पूरे दिन तो उन्होंने रात को आए कोई बड़े लोग ना बड़े जानदार हट्टे करते लहीम शहीम टाइप लो, लोग उन लोगों ने मांगे कि ना तीस पान दे दो तीस चालीस पानी तो ज़्यादा क्वांटिटी मांग और वो दुकान बंद करके तर, जा ही रहा था तो उसने बोला तुम जो तो जो ले रहे जो लेने आए थे पान वो बोला थे तुम हमें दो जितने भी हैं दो और ना हम तुम्हें ज़्यादा पैसे देंगे जितने भी पैसे मांगे वो दे देंगे फिर इन्होंने ना दे दिए पान बना के बोला चलो शायद मेरी यही कमाई हो दिन की और ना उन्होंने सिक्कों का ना एक थैला पकड़ा दिया उसको इनकी और जल गई कि भाई हम लोग मैंने रात को इन्होंने सिक्के पकड़ा के चले गए फिर बाद में रात उन्होंने घर वर जाकर देखा वो थैला खोल के वो सोने के सिक्के पानी की दुकान लगा सकते हैं लेकिन आप ना एक तरह से आप उनके एक बार कर दोगे ना वो बार, -बार दोस्ता तेज हो जाता है <laughs> नहीं, ये इतने स्केरी नहीं थे लेकिन ये किससे है मतलब ये स्केरी नहीं है हैं? अब अगर मैं अगर अपना एक करूं मेरे साथ जिस वजह से मैं नेवी से नहीं जा हाँ, सका हाँ, हाँ, वाला वाला। मैं जो है मेरे कंधे में लेफ्ट कंधे ये टीवी से बाबर टकटा का भाई गिरेगा तो नहीं मेरे सर के ऊपर ये किस कहानी सुना रहे थे बोले बड़ी कहानियां सुना रहता टी टीवी सर पर तो सकते हो, सकते ये एक्सपीरियंस दी पहले <laughs> एक और एक्सपीरियंस हो जाएगा लाइव हो जाएगा तो भाई चक्कर ये हुआ कि मैं जो है बास्केट मेरे घर पे इस तरह है कि मेरे घर की बैक साइड जो है वो थोड़ी समझ लो थोड़ा से जगह एक बैडमिंटन कोर्ट को जितनी जगह होगी तो उधर मैंने पीछे एक रिम लगाई हुई थी मतलब दीवार थी बारह फुट की तकरीबन छज्जे से लगती थी वो तो उस दीवार के ऊपर मैंने देखा चार बाय चार की एक दीवार खड़ी करा के सीमेंट करा के उस पर रिम विम लगा दी थी कि छोटा भाई खेला था बास्केटबॉल मैं तो फुटबॉल एथलेटिक्स में ज़्यादा ज़्यादा बास्केटबॉल नहीं खेली उसके लिए मैंने रिम सेटअप किया था कि यार खेलेगा वो तो ऑब्वियसली अब घर पर आ गई फैसिलिटी तो मैं भी खेलना शुरू हो गया अब मैं जो है बॉल मारता उस पर रिम विम पे मारू मैं बहुत ही ना मेरी बॉल गई पीछे रिम के ऊपर छज्जे के ऊपर अब छज्जे के बाद बॉल गई वरना मैं यूजुअली उतारता नहीं हूँ मैं ना बॉल छोड़ के चला जाता हूँ मैं चलो छोटा भाई उतार लेगा कोई भी उतार लेगा मैं उतारता नहीं हूँ बॉल उस दिन मुझे पता नहीं क्या मस्ती चढ़ी मैंने चल यार बॉल उतारते हैं जाके ऊपर से डालता हूँ रिम के अंदर मजा आएगा बड़ा ऊपर से रिम के अंदर डालूंगा अब मैं चढ़ा छज्जे के ऊपर मैंने बॉल उठाई मैं रिम के ऊपर डालने गया हूँ मुझे बकायदा पीछे से धक्का पड़ा है आई फेल्ड के मतलब मुझे फ़र्क पता होता है कि यार एक आप गिरे हो फिसले हो और एक किसी ने पकाया था ये जगह पकड़ के ना पुश किया है और इतनी ज़ोर से पुश आया था यार मैं अगर आपको इतना आइडिया नहीं आ रहा होगा तो को पता है मेरे अंदर अच्छी खासी जान है मतलब मैं एम एम भी करता था उधर भी जो लाइट वेट्स जो हैवी वेट्स होते हैं उनके साथ भी वो गिराने में उनको मुश्किल होती है यानी मेरे अंदर इतनी जान है कि हल्का पुश हो मैं रिजिस्ट कर लेता हूँ यार इतना ज़ोर का पुछता है आप अंदाज़ा लगाओ मैं दीवार के ऊपर गया हूँ और मैं दीवार समेत नीचे गिरा हूँ लेकिन पंद्रह फुट से नीचे गिरा हूँ मैं दीवार समेत नीचे और मैं गिरा रहा हूँ तो मेरा मुंह के जख्म तो पास ज़्यादा चोट वोट नहीं आई मुंह पे जख्म तो मेरे कंधा जो है यहाँ से अगर आपको फील नहीं हो रहा तो यहाँ से एलिवेटेड है लेवल थ्री एलिवेशन आ गई तो मेरे कंधे में यहाँ से मसल डिटैच हो गया था और मेरा कंधा यूट गया तो वो मैं गिरा रहा हूँ और मैं गिरा रहा उस वक्त थोड़ी जब गिर रहा था उस फेज़ में तो कोई रिकलेक्शन नहीं हुआ क्या कैसे गिरा थोड़ी देर बाद जब मुझे होश आया मुझे यार ये तो धक्का पड़ा है यार कुछ मुझे वो पीछे एक हमारे रिलेटिव है कजन है मेरे वो भी गाड़ी निकाल रहे तो वो जो गाड़ी निकाल निकालने वो अपनी गाड़ी रिवर्स करे ऊपर देखा अच्छा रैम छज्जे से बॉल बोल है रिवर्स करके वापस देखा भाई रैम कहाँ छज्जे में से वो फिर वो भाग भाग कहा नीचे वो बेचारे भाग भाग कर रहा है फिर अंदर लेके गए फिर उसके पास गया था मालिश ही गया और डॉक्टर वॉक्टर के पास गया वो पता चला कंधे में एलिवेशन है बड़ा मस्त धक्का पड़ा था मुझे मस्त हो गया अच्छा मेरे साथ इस तरह किस मुझे कोई फील वील नहीं होता मुझे चंबे मुझे चंबा भी पड़ा वाला एक और केस

वो अभी भी उसी घर में रहते हैं जिस घर में ये सीन हुआ था तो उनका जो बेटा था जब पैदा हुआ था छोटा थे ये तो वो आ, उनके घर से ऊपर से वो गिरा बीच में और वो मज़दूर हो गया अभी तक वो व्हील चेयर भी यूज़ करता है वो मेंटली भी उसकी ग्रोथ रुक गई है तो फिर बाद में पता वता करवाया कि क्या सीन हुआ था तो ये पता चला कि किस कोई जिन था उस वक्त उनके घर में और वो बच्चे से खेल लगा और वो खेल खेल में उसकी गलती से धक्का पड़ गया क्योंकि पता है ना वो लोग तो उनके जान अलग दा, ताक़त होती है उन लोग की तो वो खेल खेल में उससे धक्का लग गया और फिर वो अभी तक गिल्टी है इस बारे में और वो चाहता है किसी तरह वो सही कर दे लेकिन कोई चीज़ नहीं हो सकती आए, ये फिजिकली आपको कुछ नहीं कर सकता वो लोग हाँ पावरिया वही है कि इविल स्पिरिट्स और अच्छी स्पिरिट्स दोनों दोनों एग्जिस्ट करती एग्जस्ट करते तो बता रहा था मेरे रूम वाला जो किस्सा है वो पता है हमें क्योंकि वो काफी पहले का किस्सा है वो बहुत जो हमें बताया गया वो नेक बुजुर्ग उस तरह के नमाजी वमाजी और हमें अंदाजा इस तरह कि जब भी वो मेरे मेरा रूम इस तरह है कि मेरा छोटे भाइयों का रूम है फिर एक आता है और वो ऊपर सीढ़ियाँ थोड़ी चढ़ती हैं चार पांच सीढ़ियों मेरा रूम है और फिर नीचे सीढ़ियाँ जाती है नीचे तरखाना है मतलब स्टोरेज रूम टाइप का है तो अगर हम उन सीढ़ियों पर कभी कोई गंदगी रखें ना तो फिर बीमार होना शुरू हो जाते हैं बच्चों को चीजें दिखना शुरू हो जाती हैं बीमार होना शुरू हो जाते हैं इस तरह के होता है अब उससे मेरे पास एक और हुआ मेरे साथ ही सीन हुआ है अच्छा मुझे एक टाइम बड़ा शौक था ना बॉडी शॉडी बनाएंगे एक्सर्स एक्सरसाइज करेंगे मैं अपने रूम में करता था मेरे रूम में इतनी स्पेस थी कि आराम से मैं एक्सर एक्साइज कर सकता हूँ तो मैं बाहर जाके तो बंदा अपनी शर्ट वर्ट के मुझे रूम में था कि मैं शर्ट उतार के मस्त होकर एक्सरसाइज करूँगा ये करूँगा पम्प अप ये अपना आईने में अपना पम्प देख रहा हूँ ये 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 कर रहा हूँ तो मैं अपनी शर्ट उतार के मैं पुशअप्स लगा रहा था तो मुझे अम्मी ने काफ़ी मतलब एक्सरसाइज करने के बाद भी अपने पसीने वाली शर्ट वर्ट थी या मैं अपने रूम में ही चेंज करता था कोई कभी गंदे कपड़े होते ना अपने रूम में रखे आप चले गए फिर वापस आके अपने धोने में फेंक दिए मैं इस तरह बहुत करता है गंदे कपड़े रख दिए या पसीने वाली शर्ट रख दी उस जगह पर कि एक्सरसाइज करने के बाद पसीना आया तो शॉर्ट वॉट जो है उधर ही रख दी तो मैं इस तरह रख दे रहा था मैंने अम्मी ने काफ़ी मना कि नहीं कर बेटा नहीं कर कुछ होगा फिर मज़ा आएगा मैंने नहीं नहीं कुछ नहीं होता ऐसे आप लोग बातें करते हैं कुछ भी नहीं होता अब मैं पुशअप लगा रहा हूँ मुझे बीच पुशअप में पहले हल्का से इस जगह यूं जैसे हाथ नहीं यू करता है कोई बड़ा यूँ हाथ फील हो मेरा बड़ी मस्ती आ रही है वाह बड़ी मस्ती चढ़ रही अब करते करते एकदम से किसी ने मेरा गला पकड़ लिया बाकायदा मतलब बाकायदा मेरा गला पुशअप करते पकड़ा मैं गिर एक होता है कि यार आपको लगता है क्रैम्प अप हुआ है ये पहले मुझे दोस्त सही उसमें अच्छी खासी देर तक दबाया मैंने यूँ हाथ लगा रहा हूँ मुझे कुछ फील नहीं हो रहा लेकिन सस्ता न हो रहा है क्योंकि यूँ गला दबा रहा है मेरा मुझे बाकायदा उंगलियाँ फील हो रही हैं क्योंकि गला दबा रहा है मेरा अब थोड़ी देर के लोग दबा फिर एकदम से हाथ हट गया मेरी सांस वापस आई मेरी आंखें लाल मुंह पूरा लाल मेरा क्या बोलता ना जब जोर से दबाओ पूरा बोलते मेरी आंखें आंखें मुंह सब लाल मेरे हशर टाइट फिर उसके बाद मैंने आईने में जाके देखा बका दे निशान थे हाथ के एक मेरे गले के ऊपर अब वो दिन था और आज का दिन अपने रूम में मैंने एक्सरसाइज नहीं की अब तो उसी रूम में हो लेकिन ना गंदे कपड़े रखे मैंने साफ सुथरा तूने देखा है। मैं रूम में किस तरह रखता हूँ साफ सुथरा करके पूरा भाई कोई ना सीढ़ियों पे गंदगी ना मैंने कोई गंदे कपड़े रखे उसके बाद जो मेरी हालत टाइट हुई है बकायदी पांच उंगलियों के निशान मेरे गले के ऊपर मेरी हालत बंद मिलना ये क्या बदतमीजी है भाई वो भी इस तरह के काम करो तंग कोई गंदगी करो फजर की नमाज में अगर तुम यार मुझे तो पता है क्या हुआ मेरे साथ मैं फजर की नमाज नहीं पढ़ता था ना मतलब मैं बहुत रेगुलर नहीं था उस चीज के अंदर मेरा भाई बहन घर में अम्मी अम्मी अबू सब पढ़ते थे माश रेगुलरली छोटा वाला ही पढ़ता था तो मुझे फजर के टाइम पे थप्पड़ पड़ा है बकायदा hmm. तो थड़ थप्पड़ पड़ा फजर की नमाज मिला यार अजान हुए मैं उठा अजान हुए मैं पढ़ता हूं पढ़ता हूँ एक बंदा नींद हालत में होता है मैं वापस आंख लगी आंख लगी फड़क थप्पड़ पड़ा मेरे मुँह मैं हाँ हाँ उठ गया

हाँ। थोड़ा ख़तरनाक वालों पर आ जाओ खतरनाक वालों पर आ जाए अच्छा उसी घर के मेरे पास बहुत सारे किस्से हैं मेरे पास और भी बहुत सारे ख़तरनाक किस्से हैं लेकिन जिनके साथ हुए हैं मुझे पता है उनसे इजाज़त नहीं लिया मैंने अभी बताने की तो एक्चुअल किस्से हैं मेरे पास कि जब जिन्नाथ ने ट्राई किए कि अपने अपने लैंड में ले जाए ये किससे भी है। मैं तुम्हें रिकॉर्डिंग बाद में बता दूंगा उसके बाद ना ये था सीन अभी ये वो वाला किस्सा नहीं है ये थोड़ा लाइट किस्सा है लाइट नहीं पर आधा घंटा वैसे ही हो गया अच्छा हैवी पे आता है हाँ तो उस घर में ये था सीन के मेरा कज़न था मेरा कज़न मेरे पर रेगुलरली आता था हम लोग छोटे से बचपन से उसी घर में रह रहे हैं ना तो बचपन में उसको चमाट भी पड़ा भूत से हम लोग दोनों खेले तो उसको चमाट मार के चले गए <laughs> दफरी मैं उसके साथ हुआ था ये फिर मुझे भी मारा था तू भी बेटा सब कैजुअली गया कुछ नहीं कर रहा है क्या कर रहा थप्पड़ मार दो तो उसी के साथ खेल रहा था मैं हम लोग का ये ना सीन दो हजार स्टार्ट में मेरे साथ ये हुआ ना ये पहला सीन था नाना जान के इंतकाल के बाद घर खाली होना शुरू हुआ था अब किस्से होना स्टार्ट हो गए ऑन अ रेगुलर बेसिस ये पहला किसान मैंने अभी सुनाया तो मैं जो मुझे व्हील चेयर पर कोई बैठा हुआ दिखा था अब इसके बाद ना वो कज़न आया खेलने हम लोग ड्राइंग उसी ड्राइंग रूम में खेल लें हम हाँ लोग बैडमिंटन खेल रहे हैं तो बैडमिंटन खेल रहे थे तो दरवाजे की तरफ मेरी पीठ है और वो मेरे सामने है तो उसको किचन दिख रहा है और उसको दरवाज़ा भी दिख रहा है सही है उसको जब उसको दिखा यहाँ पे कि ना एक एक्चुअली कोई औरत खड़ी हुई है वही कि शक्ल नहीं दिख रहा हमारे घर वालों को शक्ल नहीं दिखानी होती थी वो एलिवेट वो हुई वो है जमीन से उसके बाद उसके बाद ये हो गया सीन या अगले दिन या उसी उसी टाइम पीरियड में उसी साल दो साल के अंदर अंदर के सारे वाक उस उसमें वही कज़न के साथ हम लोग वापस खेल लेते हैं उसके और भाई भी थे अरे तो तुम तो लोग सुधरे नहीं ना मतलब एक दो बार के बंदा दूर हो जाता है जगह से अबे नहीं जगह क्या वो, वो पूरा घर में कोई भी नहीं आया था ड्राइंग रूम के अलावा ड्राइंग रूम ना कनेक्टेड था हमारा ड्राइंग रूम दरवाजे के थ्रू कनेक्टेड रहा हमारे घर के अंदर ही था समझो लेकिन ड्राइंग रूम के आगे फिर जाना बंद कर दिया था हमने तो लेकिन मैं ड्राइंग रूम में होना शुरू हो गया ड्राइंग रूम में ये हुआ हम लोग खेले थे उसके और कज़न्स भी आए हुए थे तो हम लोग सब वहीं ड्राइंग रूम में बैठे हुए थे और ना बीच में हम लोग बैडमिंटन खेल लेते वापस से तो ना हमने नेट के तौर पे एक डॉल थी मेरी बहन की पुरानी वो रख दी थी अब ना डॉल के अंदर बैटरी क्योंकि होगी पुरानी दस पंद्रह साल उसके अंदर ना बैटरी है ना कुछ है लेकिन वो ना कुछ उसका ये था कि कुछ उसके पीछे बटन था वो बटन दबाओगे के तो कुछ बोलती थी वो इस तरह की वो तो थोड़े लेकिन बैटरी वैटरी कुछ भी नहीं भी थी यूज ही नहीं हुई हुई वो बस रखी हुई है सामने हम लोगों ने खेलना स्टार्ट किया और वो भी अचानक से उसने बोलना शुरू कर दिया मतलब ये नहीं कि तुम कौन हो वो जो बोलती थी रेगुलरली

या फिर मुझे लगा मुझे आवाज आई उसको लगा उसी को आई है इसको लगा उसी को आई है। सब ने बोला नहीं आई होगी किसी को ऐसी होगा उसके बाद जोर से मतलब बकायदा बोलने लग गए हम लोग सब उसको साइड पे बल्ले से मार के <laughs> मारा भी बल्ले से भाग साइड पे अंदर अंदर भागे <laughs> और आ दिया अच्छा अब स्टोरी पे जो अब ये स्टोरी कहीं से आई थी नॉनमसली जो है सुनाएंगे तो भाई उसमें चक्कर ये हुआ कि कोई एक फैमिली थी वो मिड मिडल ईस्ट की साइड की कहानी है तो वो एक हाईवे से आ रहे थे कहीं से रात का वक्त था तो ऑब्वियसली उनकी एक मतलब एक आ, मर्द और उनकी एक छोटी बेटी है मतलब बच्चा है छोटा साल डेढ़ साल साल के भी नहीं होगी हार्डली मतलब गोद वाला बच्चा होता ना उस एज के थी वो तो वो लोग जो है हाईवे से आ रहे थे वो लोग अब रस्ते में उनको ना दो टाइप के पेट्रोल एक बड़े पेट्रोल पम्प होते हैं लाइट लाइट रौनक वौनक वाले हाँ और एक होते हैं छोटे वाले पेट्रोल पम्प मतलब बिल्कुल छोटे साइज के रेस्ट रूम्स हैं और पेट्रोल पम्प है हाँ। पे दर्ट सेट ये यहाँ के नहीं मैं मिडिल ईस्ट की यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है मैं मिडिल ईस्ट की बात कर रहा हूँ वहाँ की साइड पर तो जो रहते होंगे उनको आइडिया होगा तो वो जो है वो छोटे वाले उनको दिखा स्टॉप तो उधर गए वॉशरूम वॉशरूम गए पेट्रोल वेट्रोल फुल किया वॉशरूम गए बच्चे अच्छे का डायपर शाइपर चेंज किया अपना अच्छा बच्चे का डायपर चेंज करके ना उन्होंने उधर ही फेंक दिया मतलब डाला उधर ही फेंक के वो लोग निकल गए वहाँ से पाकिस्तानी पाकिस्तानी अब वो लोग वहाँ से आगे बढ़े गाड़ी अब वो, वो ड्राइवर फेंक के निकले हैं गाड़ी में बैठे हैं बच्ची ने रोना स्टार्ट कर दिया ये बच्ची रोए जा रही है रोए जा रही है रोए जा रही है अब वो उन्होंने मतलब भूख वूख लगी होगी कुछ होगा घर जाके देखेंगे अब घर गए वो घर जाके भी रोना बंद नहीं कर रही रात गुजर के पूरी रोए जा रही रोए जा रही है तो उसकी अम्मी जो थी उन्होंने जब गोद में लिया हुआ था उसको उन्होंने नोट किया कि वो बच्ची का जिस तरफ मुंह कर रही है जहाँ भी कर रही है बच्ची डायरेक्शन में देख के रो रही है मतलब रोए जा रही है उस डायरेक्शन में देखिए वो यूँ मूं मोड़े तो भी उस डायरेक्शन में देख रही है वो यूँ मुंह मोड़ है तब भी उस डायरेक्शन में देख डायरेक्शन में देख के रोए जा रही है अब अम्मी ने ये जिक्र जो है मतलब जो अबू थे उनसे किया कि यार ये इस तरह का चक्कर है उन्होंने बोला कि कुछ नहीं है हॉस्पिटल लेके जाते हैं देखते हैं कुछ होगा कोई इन्फेक्शन होगा बीमारी वाली कुछ होगी देख लेते हैं हॉस्पिटल लेके गए तो हॉस्पिटल लेके गए तो वो हॉस्पिटल में गए तो रोना बंद कर दिया उसने हॉस्पिटल जाते उसने रोना बंद कर दिया वो परेशान यार ये क्या चक्कर है तो उन्होंने जो है फिर डॉक्टर ने कोई मेडिकेशन वेडिकेशन दी क हो सकता है कोई इन्फेक्शन हो कुछ हो अब वो घर वापस आए तो बच्ची फिर रोना शुरू अब्बा अपने ऑफिस ऑफ़िस गए कि उन्होंने बोला यार देखा जाएगा मेडिकेशन दे दिया पेट में दर्द होगी मेडिकेशन होगी अब ऑफिस चले गए अब ऑफ़िस में थे बीच ऑफिस में उनको वापस कॉल आई वो जो खातून थी उनकी कि ये बहुत ज़ोर ज़ोर से हो रही है आप घर आएँ सही है और बच्ची बोलने इतना लिटरली जोर जोर से रो रही थी गले फाड़ने वाला रो रही थी ना रो रही है कॉन्स्टेंटली तो फिर उनको उन्होंने ये जिक्र किया कि यार ये एक डायरेक्शन में देख के रो रही है इस तरह मुझे थोड़ा शक हो रहा है सही है अब उसका मसला ये कि अब उसके अलावा जो चक्कर हो जब उन्होंने कॉल किया उससे पहले माइंड से निकल गया कि वो जब किचन में काम कर रही थी बच्ची दूसरे रूम में थी सही है अब किचन में उनको ऐसी फील आए जैसे उनके पीछे कोई खड़ा हुआ है अब उनको जब ये फील आया कि मेरे पीछे कोई खड़ा है उधर से बच्ची रोना बंद कर दे अब जैसे ये फील जाए कि कोई पीछे नहीं को है बच्ची वापस रोना शुरू कर दे अब उससे उनकी हालत थोड़ी टाइट हुई कि यार ये क्या बात हुई मतलब उनको जैसी फ़ील हो कि यार एक आप जैसे तुम बताया प्रेजेंस होती ना कि कोई साइड पे खड़ा हुआ है कोई देख रहा है कोई पीछे से गुजरा है अब जैसे उनको वो फील है बच्ची रोना मन करता है अब उस पर उनको ज़्यादा शक हुआ तो कि यार कुछ है चक्कर तो उन्होंने कोई फैमिली फ्रेंड थे रिलेटिव थे उनके मतलब नॉलेजेबल बहुत बंदे थे उन्होंने उनको बुलाया तो उन्होंने बोला कि यार कुछ चक्कर तो है उन्होंने कुछ कुरने आयात दी कि तुम ये पढ़ो वो तुम्हें पढ़ने नहीं देगी जो भी चीज़ है लेकिन तुम पढ़ो सही है तो उन्होंने फिर बोला चले ठीक है मैं कोशिश करूँगा और अबू ने पढ़ने की शुरू की कुरान कुराना आयत बोले मैं पढ़ता जा रहा हूँ वो बच्ची जोर ज़ोर से रोना शुरू कर रही है बोले इतना जोर से रो रही थी कि उसने एक रोना होता है और एक चिल्लाना होता है बोले बच्ची वो कहता चिल्लाना शुरू हो गई थी तो डर गए घबरा गए कि मेरी बच्ची बच्ची को कुछ ना हो जाए उन्होंने डर के मारे पढ़ना छोड़ दिया यार अब मैं नहीं पढ़ा उन्होंने फिर अगले दिन उनको बुला लिया कि यार आप पढ़ दें मुझसे नहीं पढ़ा जा रहा है अब वो उन्होंने पढ़ना शुरू किया है तो उन्होंने बच्चे को लेकर ना बच्ची और जो अम्मी थी वो चली गई किसी और के घर और ये अंकल जो थे वो अपने घर के अंदर नहीं जा रहे थे बाहर खड़े हुए थे और दूसरे अंकल जो है वो पढ़ रहे थे खड़े हो गए कुछ तो वो बोल कि जब पढ़ रहे थे कुछ कुराने का आया तो बोले पढ़ते पढ़ते बीच में ना अरबी में बात कर रहे थे कि वो बंदा जो इतनी अरबिक जानता था कि वो कुरान में और बातों में फ़र्क बता सकेगा बात चलिए कि कुरान चल रहा है तो उन्होंने बात की उससे कि यार ये कि वो उन्होंने बोला कि यार वो बात कुरान पढ़ रहा है साथ में बात कर रहा है कुछ ना कुछ बात कर करके कुरान पढ़ के उसने फूका वो बाहर आया बोले रहे हाँ कुछ था तुम क्या करो भाग के जाओ फौरन एक बकरा ज़िबा कर दो तो ये अल्लाह के नाम है एक बकरा बा कर दो जाके जिस सदक़े के तौर पर जब देते हो एक बकरा दे दो तो वो गए उधर एक एरिया में खड़े होते हैं कोई बकरे बकरे वाले तो उन्होंने जाके बकरे वाले बकरा ज़िबा कर दो अब तुम देखो अभी रिसेंटली ईद गुरी है तुम्हें तो बताया बकरा गिराना कि एक बंदा गिराया बकरा चढ़ जाए कुछ बोले वकरे को गिराने कुछ करें बकरा हिल नहीं रहा अपनी जगह से एक बंदा आया दो बंदा आया तीन बंदे बकरा गिराने कुछ करें बकरा नहीं गिर रहा उनसे उनकी हालत है फिर वो बंदा जो गिरा तो उसने पूछा कि क्यों कर रहे हो यार तो आगे बंदे ने लाया सद के के लिए इस तरह तो ना बोले सद के का चक्कर नहीं है क्योंकि सद हमें हम बकरे करते हैं हमें पता है बकरे में इतनी जान नहीं होती ये तुम किस बोल उसने बताया कि भाई ये ये चक्कर है ऐसा वजह में उसने बोला अच्छा चलो ठीक है फिर उसने रस्सियाँ वस्सियाँ बांध दी को छः लोगों ने एक बकरा गिराया है अब तुम इमेजिन करो बकरे की जान छः बंदों ने एक बकरा गिराया बकरा ज़िबा हुआ उधर एक बच्ची ने रोना बंद कर दिया फिर बाद में बुज़ुर्ग से पूछा कि यार चक्कर क्या आता है बोले तुमने जो डायपर फेंका था उधर एक फैमिली रहती थी

मतलब हमारे फैमिली में ये किस्सा मशहूर है अब ये ऑथेंटिसिटी का नहीं पता उस बंदे को मैंने खुद से नहीं देखा तो उस ये है कि एक बच्चा था हमारी फैमिली में पुराना बच्चा था बूढ़ा हो गया होगा ये कि वो कहीं जा रहा था रास्ते में किसी दोस्तों दोस्तों के साथ तो किसी दरख्त के नीचे उसने यूरिनेट कर दिया रास्ते में और फिर उसकी तबीयत तो ख़राब हुई आहिस्ता आता करके फिर वो अपना सेंसेस खो गया गालियाँ वालियाँ बकने लगा अम्मा को मारने लगा ये सब सीन होने लगा उसके साथ और वो जब तक तो जिंदा रहा ना उसके साथ ये सीन हुए पागल ही रहा वो बिल्कुल एग्जॉसम वगैरह बहुत ट्राई की लेकिन नहीं हुआ तो रुकिया जो होता है इस्लाम में वो बहुत ट्राई किया नहीं हुआ रुकिया का रुकिया से कोई और किस्सा है जो आया डी में डीएम में आए तो हैं लेकिन वो थोड़ा मुझे डाउट हो रहा था मेरे तो हो गया डन हाँ, तो यार वो एक खतरनाक वाला बता रहा था वो बिल्कुल खतरनाक वाले पे एंड करेंगे पहले का बताते हैं अपनी, अच्छा, अपनी मेरे साथ नहीं हुई मे, मेरे ऊपर नहीं हुई लेकिन मुझे टूल बनाया गया था तो उसके लिए उसी घर को निकालने के लिए उस घर से जो जिन्नात थे ना वो बहुत ज्यादा सीन हो गए थे मैंने पूरे बताए भी नहीं है क्योंकि बहुत सारे लोग इन्वॉल्व थे जो परमिशन जिनसे नहीं लिया है अभी तो बता नहीं सकता लेकिन ये था कि उस घर में ना मुझे दिखते थे मुझे बाकायदा दिख रहे थे अच्छा इससे पहले का किस्सा वहाँ पे ना हमारी दूसरी ड्राइंग रूम में हमारी सुइंग मशीन थी तो ना अम्मी को कुछ काम था और वो सब कुछ बंद रहा था तो पूरे घर में कि उसका कोई है तो कोई भी अकेले नहीं आता था अब रात के टाइम का ज़रूरी जाना पड़ गया था अम्मी को तो मैं बस तुम तो, तुम साथ चलो मैं बस सी के आ जाऊँगी और तुम वहीं पर मेरे बराबर में बैठे रहना अब मैंने बराबर में तो बैठा रहा मैं अम्मी के लेकिन मैंने राइट पर देखा और मुझे ना जिनके जिन्नात के बच्चे रेंगा रेंगा रोजेज खेलते थे हम लोग बचपन में हाथ पकड़ के घूम रहे हैं वो बाकायदा मुझे छः सात बच्चे दिखे हैं करते हुए और वो वहाँ पर ड्राइंग रूम पे हम लोग यहाँ पे हैं ड्राइंग रूम का दरवाज़ा है दरवाजे के बाद किचन है जो बीच का जो एरिया है ना वहाँ पे रिंगा रिंगा रोजेज खेलते खेलते दिखे तो मेरी हालत बहुत ख़राब हुई मैंने मम्मी को बोला चलें बस यहाँ से अब वहाँ इस तरह के बहुत ज़्यादा होने लगे थे और सिर्फ मैं नहीं देखा था मेरे मेरे इमेजर ख़ानदान में किसी ने नहीं देखा लेकिन और लोगों ने देखा था तो उन लोगों ने फिर बुलाया था किसी को अब ऐसे मौलाना ऐसे ऐसे किसी ने बुलाया था कि वो तस्वीर लेके आ गया माला लटका के आए आए थे एक अंकल उन्होंने मुझे बिठाया उन्होंने पहले ना टेबल के अक्रॉस मुझे बिठाया बुलाया बराबर मैंने बोला आँखें बंद कर लो आगे बंद की फिर ना उन्होंने बोला कुछ दिख रहा है मुझे कुछ नहीं दिख रहा है बोला नहीं फिर ना उन्होंने कुछ पढ़ना पढ़ना स्टार्ट किया फिर उन्होंने बोला इमेजिन करो कि ना तुम तुमने जिस कमरे में फर्स्ट टाइम दिखा था ना वो व्हील चेयर वाले वहाँ इमेजिन करो कि तुम वहाँ हो उस कमरे में मैंने इमेजिन किया कि वहीं पर हूँ मैं अब ना उन्होंने बोला अब कुछ दिखा उन्होंने रन नहीं बोला इमेजिन करो कोई दिख रहा है मैंने बोला अच्छा अब मैं नहीं दिख रहा तो इमेजिन कर लो इमेजिन करो फिर ना ये था कि ना मुझे लगता नहीं है मैंने इमेजिन किया है कुछ मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इमेजिन कर कोई है कोई है कोई है और ना वो फिर कोई बंदा आ गया था एक खौफनाक अच्छा इससे पहले ना मेरी एक और कज़न के साथ इन्हीं आदमी ने किया था और उनको भी सेम जिन दिखा था इस कमरे इस घर में नहीं उनके अपने घर में दिखा था उनके अपने घर में उन्होंने किया था वहाँ भी ऐसे सीन हो रहे थे तो उनको दिखा था कि एक पहन के मतलब पाँव में जंजीरें और पायल वगैरह इस तरह की कि पहन के खौफनाक सा आदमी ऐसे चलता चलता आ रहा है अब मेरे जहन में वो भी था उन्होंने बोला इमेजिन करो तो मैं इमेजिन एक ऐसे आदमी को कर रहा था फिर ना अच्छा उनके मेरे कज़न के साथ भी यही सीन किया था उन्होंने कि इमेजिन करो फिर अगर इमेजिन किया था उनको इस तरह कोई बंदा दिखा अब ना या तो इमेजिनेशन और इल्यूजन की या और रियलिटी के बीच की ना कोई चीज़ हो गई थी तो मैं इमेजिनेशन भी फंस गया था। मैं इमेजिन भी कर रहा था कि वैसा कोई बंदा आ रहा है और फिर फिर मुझे एक्चुअली दिख गया था वो बंदा अपने आइज क्लोज में ही पिच ब्लैकनेस में और कमरा मैजन गया कमरे के अंदर हूँ हो रहा है सब और कोई आदमी आ गया वहाँ पे फिर पिच ब्लैकनेस हुई और ना वो बंदा वो एक जिन मुझे दिखा मेरे सामने ये तो तूने मुझे भी कभी नहीं बताया भाई मैंने नहीं बताया किसी को भी मैं <coughs> नहीं बताता ऐसी चीज़ें सब बतानी चाहिए हर वक्त लेकिन अब भाई सब्सराइबर के लिए क्या क्या करना पड़ता है भाई तब भी नहीं कर रहे हो तुम लोग हाँ लेकिन ये किस्सा था और फिर उन्होंने कोई पढ़ा बढ़ा फिर उन्होंने बोला आँखें खोलना मैं जब तक मैं बोलूँ ना उन्हें आँखें नहीं खोली लेकिन और भी लोग थे हम दोनों के अलावा उस कमरे में उन लोगों को जैसा फील नहीं हुआ लेकिन फिर उन्होंने बताया कि उस घर का सीन ये है कि कोशिश करोगे ये घर बेच दो क्योंकि अब तुम लोग का काम तो है नहीं हम लोग रहते रहते कोई था नहीं तो घर बेच दो तो वहाँ पूरा जिन्नात का कबीला आबाद हो गया पूरा मतलब ना उस घर में ना इस वो पुर, पुराना अपार्टमेंट था तो क्रैक्स व्रैक्स भी आ गए थे और जब नाना जान नानी जान रहते थे उस वक्त तो वहाँ पे कोई मतलब हम लोग वो रिफर्निश वगैरह भी नहीं करवाया हुआ था और फिर और भी बहुत सारी कहानी है यार लेकिन मैंने लोगों से पूछा नहीं है कि उनको बता दूंगी नहीं नब नहीं पूछा तो गलत बात हाँ, हो जाएगी अब बस अपना आखिरी वाला करो बहुत मैं चालीस मिनट से ऊपर चली गई देख क्या ही भी ऑल लॉन्गेस्ट पॉडकास्ट फोर्टी फोर फोर्टी फोर आखिरी वाला किस्सा आखिरी वाला किस्सा थोड़ा वो है सुनाया था किसी ने डीएम में ही वो किस्सा ये है कि एक आदमी बच्चा एक मतलब जवान बंदा था वो पढ़ने किसी छोटे शहर में था तो वो पढ़ने फर्स्ट करो कराची आया पढ़ने उसने रूम रेंट पे लिया बैचलर को अकेले रूम रेंट पे नहीं मिलता उसको मिल गया एक कराए एक अंकल थे अच्छे उन्होंने दे दिया वो ख़ुद ग्राउंड पर रह रहे थे कोई अपार्टमेंट टाइप होगा तो पे वो खुद ग्राउंड पर रहते ऊपर वाला उन्होंने दे दिया उसको बच उस बच्चे को अब वो शिफ्ट विफ्ट हुआ वहाँ पे जिस रात शिफ्ट हुआ है तो रात में ना लड़की आई एक उसने उसको खाना खा, खाना दिया बोला मैं नीचे से आई और फिर उस चली गई वो फिर पांच रात है ना लगातार उसने खाना भेजा उस लड़की ने और जाहिर सी बात है लड़की आ रही है कोई तो लड़का ये तो नहीं बोलेगा कि अंदर आके बैठे हैं इस तरह कोई कर्टे में भी नहीं बोलेगा हम तो छठी रात आई ना वो तो उसमें बोला कि तुम मैं छः रात से आ रही तुमने अंदर नहीं बुलाया लड़की ने बोला उसको और तो खुश कैसा हो रहा है खबीस का बच्चा <laughs> 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 तो, तो ना वो अंदर बुलाया उसको वो लड़की आ गई अंदर उसने बुला लिया में अंदर अब उन लोगों की दोस्ती वस्ती हो गई रोज़ आने लगी वो दोस्ती वस्ती हो गई बातें वातें मतलब इसको तो मोहब्बत हो गई दोनों को एक दूसरे से सही है हाँ उन हाँ। लोगों लोग मोहब्बत हो गई दूसरे से उसके बाद वो लड़की ओवरनाइट स्टे करने लगी ना इसके घर के ऊपर और बाकी जो मोहल्ले के लोग थे बिल्डिंग के लोग थे उन लोग को लड़की की आवाज़ें एक बोला वो बुल लोग बोल रहे हैं कि एक लड़के के घर से लड़की की आवाज़ रात को आ रही है हंसने की बातें करने की तो जो उन्होंने शिकायत की मालिक मकान को उसका लड़की ने बोला कि मैं नीचे से आई हूँ नीचे से आई हूँ का मतलब कि मालिक मकान के घर से आई हूँ तो लड़के को लगा था कि मालिक मकान की बेटी होगी या कोई होगी इस तरह की उसने पूछा मकान अड़पना जिरा था सुन तो मालिक मकान की बेटी बोल के आई थी वो लड़की अंदर अब वो लड़की ने खाना वाना दे रही सब कुछ रातों को आ रही दोस्ती हो गई मोहब्बत हो गई उसने लड़के ने बोला मैं तुम्हें शादी करूँगा उसने बोला हाँ तो कर लो लड़की ने बोला उसने बोला मैं प्रॉपर रिश्ता भेजूँगा अपने तुम्हारी फैमिली को उसने बोला लड़की ने बोला नहीं 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 और मना कर दिया कि ना नहीं रिश्ता नहीं है हम लोग शादी कर लेते हैं शादी करने में क्या है और ये सब बातें कि जो लड़के ने बोला अच्छा सही है लेकिन मैं कम से कम अब्बा को बताऊँगा तुम्हारे उसके बाद मालिक मकान उस लड़के को क्या लग रहा है अब्बा मालिक मकान है लड़की के अब और मोहल्ले वालों ने शिकायत कर दी मालिक मकान से कि एक लड़की की आवाज़ें आती हैं तुम्हारे कमरे से तुम्हारे घर से तुम्हारे करायादारा वाले घर से और मालिक मकान को पता नहीं कि उसकी बेटी ऊपर जा रही है सही है उसकी बेटी की आवाज़ें थी वो शिकायत करने चला गया हमारे ऊपर कि ना तुम रातों को लड़कियाँ ला रहे हो हमें लगा था, तुम शरीफ बच्चे हो गए इससे तुम्हें घर दिया था वरना बैचलर को कहाँ मिलता है घर फिर लड़की ने बोला कि नहीं मैं आपकी बेटी से शादी करना चाहता हूँ उस लड़के ने रिश्ता फॉर्मली मांग लिया हाथ मांग लिया लड़की का उसने बोला अच्छा कौन सी बेटी से उसने बोला कि वो वाली बेटी जिससे आप खाना भिजवाते हैं उसने बोला तुम होटल में आए हो मैं खाना क्यों भिजवाऊंगा तुम्हें रोज़ उसने बोला अच्छा। उसको पता चल गया घर जिस शहर से वो आया था मतलब सुन लेना पूरा अच्छा। फिर कोई और नीचे वाले नहीं थे भाई <laughs> तो वो इस तरह हुआ कहाँ था शहर वापस चला गया वहा ताबीज वाबीज बांध के वो आ गया वापस आया क्योंकि पढ़ाई कर रहा था वो उसको रहने की जगह चाहिए ही थी ना तो वापस आया वहाँ पे उसको वो रात को वापस आई लड़की लेकिन सतालीस गई उतारी उस लड़की वापस खाना लेके आई उसने बोला नहीं खाना नहीं लूंगा so सेम घर में आई सेम घर में तो so सेम घर में कैसे दे दी रहने ज्यादा किरायादार वो तो चला गया था ना वहां से वापस आ गया बीच में छुट्टी लेके चला गया नहीं तो किराएदार तो रहा था तुम किरायादारड़कियाँ लेकर आ रहे हो तो उसने बोला ना कि उसके बैड सीन हो गया भाई ये तो मजा आपकी बेटी समझ गया आप, आप तो बोल रहे बेटी नहीं आपकी ये तो मसला हो गया <laughs> तो वो लेके गया यहाँ पे वापस आया तावीज़ नहीं उतारी लड़की ने उसको बोला कि तावीज़ उतार दो तावीज़ उतार दो मुझे कुछ हो जाएगा उसके बाद ना उसने नहीं उतारी वो रोज आने लगी रात को और उसको पता है कि ये कुछ नॉर्मल सीन तो नॉर्मल लड़की तो नहीं है कुछ और ही बैड सीन है तावीज़ उतारने भी बोल रही है तावीज़ नहीं हो जा रही आहिस्ता आता आने लगी ना वो उसकी तबीयत खराब होने लगी लड़, 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 लड़की की मतलब विजिबली लग रहा था कि वो उस लड़की तकलीफ में है जो आ रही है और लड़की ता, तावीज़ नहीं उतारी लेकिन है जितना ही वो तावीज़ नहीं उतारी है एंड में पता चला लड़की मर गई वो जो लड़की थी वो मर गई अब लड़की है मरने के बाद तुमने हैरी पॉटर देखी है मूवी हैग्रिड हैग्रिड याद है हैग्रिड जैसे ना तीन चार बंदे हैं जितनी कहानी सुनाई मुझे उसके खुद के अल्फाज हैं कि हैग्रिड जैसे तीन चार बंदे आए लड़की मर गई मतलब उसको कैसे पता लड़की मर गई पता नहीं ये नहीं पता मुझे कैसे मरी गई ये पता चला क्योंकि सामने मरी होगी क्योंकि उनकी विजिप भी तबीयत ख़राब थी अब जो तीन बंदे हैं उन्होंने बोलो ना सुन तो उन्होंने क्या बोला उन्होंने बोला कि ना तुम्हारी वजह से हमारी बहन मर गई है ऐसे पता चला उसको वजह से हमारी बहन मर गई अब यार एक मिनट ये क्या है अब मैं डर गया हार्ट अटैक आ जाता भी मुझे कॉल आ गए इनको बीच में किस्सा अभी कंटिन्यू होगा यहाँ से बीच में शायद ये कट मार दे पता नहीं मेरे घर पे भी ऐसे चक्कर हैं वैसे पता और अब मैं इस रूम में गिर हूँ किससे ये सुना रहा था मैं नहीं सुना रहा था में। कर लेंगे चलो वही कट आ बीच में फोन आ गया था तो वो हैग्रेड आ गया हैग्रेड जैसे तीन बंदे और तो आए और उन्होंने बस बोला वैसे हमारी बहन मर गई है और जिस दिन तुम ये तावीज़ उतारोगे ना उस दिन हम में नोच के खा जाएंगे फिर उस बंदे ने तावीज़ नहीं उतारी उस बोला चलो सही है सही है निकले पाँच छः साल पढ़ाई उसकी ख़त्म हुई पढ़ाई करने आया था वो उस शहर पढ़ाई उसकी ख़त्म हुई वापस अपने शहर गया वहाँ शादी हो गई शादी करने के दिन बाद एक दिन वो उसने वो, क्योंकि इस बात को पाँच छः सात साल गुजर चुके थे उसने बड़ा चलो खैर अब नहीं होगा फिर शादी करने के बाद वो <coughs> वॉशरूम वगैरह जा रहा था शावर में उसने कपड़े उसने तावीज़ उतार दी अपनी अब तावीज़ उतारी है उसकी वक्त उसका इंतकाल हो गया और उसकी जो बॉडी मिली है वो खूनम खून ऐसा लग रहा है किसी ने आके नोच के इसको मारा वो बंदा मर गया था ना ये अब इतना ही मार दिया बंदा मर गया अंदेज के वजह से बहुत मरे है ये ना ये अगर अच्छा रिस्पॉन्स रहा ना इस वीडियो का हम लोग के पास किस्से इतने सारे है किस्से और बहुत सारे और हैं बहुत सारे है और बहुत खतरनाक खतरनाक है लेकिन मसले है पर मेरे पास ये तीन चार ऐसे है हालत टाइट हो जाए लेकिन मसला है परमिशन लेनी पड़ेगी जिसके किस्से हैं वो उससे पहले तो परमिशन लेके आएंगे अगर आपके रिस्पॉन्स अच्छा आया तो इन वीकली शो कर लेंगे इसको जिनका फिर फोर्टनाइटली मतलब दो हफ्ते में एक बार इस का भी तो कर, कर लेंगे अगर रिस्पॉन्स अच्छा रहा मतलब अगर इस वीडियो के सब्सक्राइबर 200 से ऊपर निकल गए फिर और टकी भाई बन गए सस्ते वही चक्कर है ना किससे हो गए मेरे भी खत्म सारे तेरे भी खत्म परमिशन हो गई आज के किस्से खत्म हो गए मेरे पास भी डन डस्टेड है एक दो थे लेकिन अब चलो बहुत टाइम भी हो गया उसके अलावा ये पड़ी कि परमिशन लेनी पड़ेगी उनके लिए पहले तो भाई तो ये हमारे किस्से थे हमारी स्टोरीज थी माना इतनी ज्यादा खतरनाक नहीं थी जो खतरनाक वाली उनके लिए पहले परमिशन लेनी पड़ती है ना अब तो ये है कि ये तो हो गया है अभी हम बहुत दिनों बाद अपलोड करेंगे ये वाली मतलब पिछली वीडियो से बहुत ज्यादा गैप आ गया ईद की वजह से ईद की वजह से गैप था काम होता, है। थोड़े दिण दिण उगड़े दिण उगड़े होता। भी इतना अच्छा नहीं था कराची कराची की कराची की बिरयानी बिरयानी ज्यादा रिस्पॉन्स नहीं रहा उसमें तो अब ये है कि अभी इस शूट करने के बाद ही हम लोग एक गेस्ट के पास जा रहे हैं फर्स्ट गेस्ट हमारे फर्स्ट गेस्ट हमारे जो है तो है प्लान के आते रहे इसके अलावा सब्सक्राइब सब्सक्राइब करें करें भाई प्लीज हाँ, वो लाल पट्टी जो है नीचे उसको दबा देंगे अगर आपको चाहिए एक और इस तरह की हम और खतरनाक हाँ। स्टोरी आखिरी वाली जैसी स्टोरीज लाए हम तो नीचे कमेंट्स में बताएं लाइक करें या अगर ज्यादा कुछ है तो डी भी कर इंस्टा पे वो मसला नहीं है वो किस्म के लोग यहाँ पे हम फारे लोग मैसेज करोगे हम जवाब दे देंगे तो टेक केयर दैट्स इट फ्रॉम आर साइड うん。